चार्ज क्यू कूलाम इज सिचुएटेड एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ राइट सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड लेंथ एल. कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू. कहाँ कहाँ कैलकुलेट करना है? ईच ऑफ द बेस पर. बेस पर कैलकुलेट करना है उस सिलेंडर के, और सिलेंडर के कर्व सरफेस पर कैलकुलेट करना है. तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, वो सिलेंडर ही बना लेते हैं. तो अपने पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर की एक एक्सिस है. सिलेंडर की एक एक्सिस होगी जो कि ज्योमेट्रिकल एक्सिस होगा, और सिलेंडर का एक सेंटर होगा. तो सिलेंडर का हमने एक सेंटर बना दिया. ये सिलेंडर का एक सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है, जिसको हम ओ कह रहे हैं. कह रहा है कि चार्ज क्यू जो है कूलाम का चार्ज सिचुएटेड एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द राइट सिलेंडर. इस सिलेंडर के सेंटर पर रखा हुआ है ये चार्ज, क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है. कह रहा है कि सिलेंडर का लेंथ जो है वो एल है. सिलेंडर का लेंथ कितना है? एल है. सिलेंडर का लेंथ एल है. सिलेंडर का रेडियस कितना है जी? सिलेंडर का रेडियस कह रहा है आर है. तो सिलेंडर की रेडियस जो है वो आर है. चलो सिलेंडर की रेडियस आर हो गई. कैलकुलेट द फ्लक्स. कहाँ कहाँ का फ्लक्स कैलकुलेट करना है? ईच द बेस. तो एक ये बेस हो गया हमारा. एक चीज़ याद रखना कि अगर मैं सिलेंडर की सरफेस एरिया की बात करूँ, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करूँ, तो इसके पास दो तरीके की सरफेस एरिया होते हैं. एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, और एक क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है. तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो एक ही होता है, और उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एच. कितना होता है? 2πRh. और जो कर्व्ड सरफेस क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर. और जो एक टॉप पर होता है, एक टॉप पर होता है और एक बॉटम पर होता है. एक कहाँ होता है? बॉटम पर होता है, ठीक है, एक बॉटम पर होता है. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का एरिया कैपिटल ए है. अभी यहाँ कुछ मत लिखो, एरिया कैपिटल ए है और यहाँ पर कैपिटल ए है. तो कर्व सरफेस एरिया अपने पास 2a होता है, और जो इस कर्व सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया 2a होता है, और कर्व सरफेस एरिया अपने पास s केवल सिंगल होता है. तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हो जाती हैं. तो हम बेस पर यहाँ पर अगर कैलकुलेट कर लें इससे कितना इस चार्ज की वजह से फ्लक्स पास हो रहा है, तो हमें उसी का उसी उतना जितना इधर से फ्लक्स पास होगा इस सरफेस से, ठीक उतना ही इस सरफेस से भी फ्लक्स पास होगा. तो यहाँ पर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हम ऐसे तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे. तो हम करते क्या हैं कि पहले तो ये देख लें कि ये जो एंड है यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये जो एंड है, ये जो एंड है, ये देखते हैं कि एक्सिस से कितना एंगल बनाता है. तो ये एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बना रहा है. कितना एंगल बना रहा है? अल्फ़ा एंगल बना रहा है. अगर ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो ये जो एक्सिस है ये कितने एंगल पर है? 0 डिग्री के एंगल पर है. मतलब अगर इसको धीरे धीरे उठा के ऐसे ले आओ ऐसे, तो 0 डिग्री पर हो जाएगा. और हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ से अगर फ्लक्स पास हो रहा है, तो पहले तो हम ये याद यहाँ पर निकालें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो ये सरफेस है, ये छोटे छोटे या पतले पतले क्या हैं ऐसे, मतलब स्मॉल कोई लेंथ ले लें, dr ऐसे लेंथ के छोटे छोटे सिगमेंट से मिलकर बना हुआ है. तो हमने क्या माना? एक रिंग मान लिया कि एक रिंग है, और जिस रिंग की रेडियस कितनी है, इस रिंग की रेडियस हम स्मॉल r ले लेंगे और थिकनेस इसका dr ले लेंगे. ये कौन सा शेप बन गया? तो यहाँ पर ये, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, ये इसकी dr है. कितना है? dr है. ये स्मॉल dr लिख दे रहे हैं, dr इसकी स्मॉल, dr इसकी विड्थ हो गई, और रेडियस इसका कितना हो गया? रेडियस इसका स्मॉल r हो गया. ये स्मॉल r हो गया इसका रेडियस. और इस विड्थ की जो एंगल है यहाँ से, ये एंगल कितना है, इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये चीज़. ये मैंने बना दिया, ये बना दिया, ठीक है.
और ये यहाँ पर एक चीज़ और गड़बड़ हो गया है, ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, ये अल्फा है, याद रखना ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है, यहाँ पर अल्फा लिख देता हूँ मैं, और ये जो एंगल था, इस एंगल को हम थीटा नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, थीटा नाम दे रहे हैं। ये डी आर जो लेंथ का रिंग, वो डी आर विड्थ की जो रिंग हमने मान रखी है आर रेडियस की, इसको हम थीटा मानकर चल रहे हैं। एक बात बताना यहाँ पर कि आपका ये जो यहाँ पर जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ तक का लेंथ कितना है, तो ये एल बाई टू लेंथ है, एल बाई टू लेंथ है, और ये आर है हमारा, ये क्या है, आर है, और ये भी आर है, ये भी कितना है, आर है, ये आर है। तो इसको अगर मैं काट के अलग रखूं, देखो ज़रा ध्यान से देखना, ये काट कर अलग रख रहा हूँ ये, और फिर हमने क्या किया, ये वाली लेंथ ये, और इसको हमने थीटा माना है, इसको थीटा माना है। तो ज़रा बताना हमको कि ये आर है और ये एल बाई टू है, ये एल बाई टू है तो ये भी तो एल बाई टू होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारा जो है, इसको कोई नाम दे दें, ओ से पी, ओ से पी, तो ओ पी हमारे पास कितना आ गया, ओ पी हमारे पास कितना आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई फोर आ गया। तो अगर मैं देखूं कि इस छोटे से डी आर विड्थ की जो आर रेडियस की रिंग है, इसकी इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा, वो कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम फ्लक्स तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डी एस। तो हम अगर यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया हमको, तो सारा काम बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये कह सकते हैं कि एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, तो एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, तो चार्ज क्यू की वजह से कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपान, और डिस्टेंस हमारा क्या होगा, इस डिस्टेंस ओ पी का स्क्वायर होगा, ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान ओ पी की का स्क्वायर अगर करोगे आप, यहाँ ओ पी का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। तो ये वैल्यू रखना पड़ेगा, एल स्क्वायर बाई फोर रखना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और यहीं लगे हाथ, आप कर लो, टैन थीटा भी मालूम कर लो आप, आगे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर हमको। तो टैन थीटा अगर निकालोगे, तो टैन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर आर हो गया और बेस हमारा एल बाई टू है, तो बेस हमारा परपेंडिकुलर आर है और बेस एल बाई टू है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू, टैन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टू आर बाई एल आ जाएगा। ये वैल्यू भी हम रख रहे हैं और ये वैल्यू भी रख रहे हैं, तो इसे क्वेश्चन नंबर वन मान रहे हैं, इसे क्वेश्चन नंबर टू मान रहे हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे थ्रू द रिंग, थ्रू द रिंग जिसका हम कैलकुलेट किए हैं, तो फ्लक्स थ्रू थ्रू द रिंग, रिंग व्हिच इज विड्थ, जिसकी विड्थ हमने क्या मानी है, डी आर मानी है। तो अब हमारे पास जो फ्लक्स होगा डी आर विड्थ के लिए, जो फ्लक्स होगा वो डी फाई फ्लक्स होगा, और वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, यही तो फार्मूला होता है। और जब हम यहाँ से डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे, तो ई डी एस और कॉस की क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। देखो यहाँ पर डी आर विड्थ के लिए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से डी फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, तो ई की वैल्यू हम रखेंगे, क्या रखेंगे, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई फोर। डी एस की वैल्यू के लिए है चिंता आप, देखो इसका अगर एरिया निकालना हो, रिंग का एरिया निकालना हो, तो रिंग के एरिया के लिए हम
देखो अगर निकालना है तो पहले रिंग की लेंथ मालूम कर लें, तो रिंग की लेंथ हो जाएगी 2πr। एरिया निकालनी है तो ये तो लेंथ हो गई, और विड्थ इसकी dr है, तो ये एरिया मिल गया हमको dr, ये एरिया मिल गया हमको उस रिंग का। चाहो तो आप इस वाले मेथड से निकाल लो कि 2πr इंटू dr, इस मेथड से निकाल लो, और चाहे जो मेरे मुझे जो मालूम है बहुत शॉर्टकट में ये आप लगाओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे आपको पता है कि सरफेस एरिया s इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ए होता है, यहाँ से ये होता है, तो आप इसको क्या करो डिफरेंशिएट कर दो तो डी आर, और ये कितना हो जाएगा 2πr और इंटू डी आर हो जाएगा। तो चाहो आप इस वाले मेथड को यूज करो, चाहो आप तो इस वाले मेथड को यूज करो, तो डी एस इज इक्वल टू 2πr इंटू डी आर मिल गया। ये वैल्यू आप पुट कर दो, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, डी एस की जगह पर 2πr इंटू डी आर और कॉस थीटा, ये मिल गया। अब चलो अभी तो देखो, अगर आपने यहाँ पर जो निकाला वो डी फाई है, क्या है वो डी फाई निकाला आपने, क्या निकाला आपने डी फाई। अब अगर आपको टोटल ये डी आर, डी आर विड्थ की रिंग से होकर जाने वाला फ्लक्स निकाला ना आपने, ऐसे बहुत सारे रिंग बने होंगे इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर बहुत सारे रिंग बने होंगे, तो टोटल फ्लक्स ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया निकालें अगर हम, तो क्या निकलेगा, यानी कि फ्लक्स हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं कि फ्लक्स थ्रो होल ऑफ द अपर बेस, तो ये हम मे बी फाउंड, हम इसको फाउंड कर सकते हैं भाई, मे बी फाउंड बाय इंटीग्रेशन, तो हम इसको इंटीग्रेटिंग मेथड से हम कर रहे हैं, तो चलो करते हैं बिटवीन। तो देखो अगर हम पूरा रिंग कवर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इस वैगनी कलर को धीरे धीरे इंक्रीज कर करके, धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज कर कर करके इस रेड वाले पोजीशन में लाना होगा, और रेड वाले पोजीशन में लाएंगे तो थीटा हमारा इंक्रीज होकर अल्फा हो जाएगा, और अगर इसको बैगनी वाले को डिक्रीज करते 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 देखो एक्सिस पर ले आएंगे तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमें लिमिट अगर रखनी हो तो थीटा की वैल्यू एक तो जीरो मिल रही है और एक थीटा की वैल्यू अल्फा मिल रही है, और जब थीटा की वैल्यू अल्फा मिलेगी, जब थीटा की वैल्यू अल्फा मिलेगी तब ये वाला देखो, अगर यहाँ पर टैन लगाओगे, यहाँ पर टैन लगाओगे यानी कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू, अगर आप टैन इनवर्स लगाओगे तो उस कंडीशन में ये जो रेडियस है ये स्मॉल आर बढ़ते 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 यहाँ पर कैपिटल आर हो गई, बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा, जो कि बेस है और अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टैन का, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर आर हो जाएगा और बेस हमारा एल बाई टू हो जाएगा, तो टैन यहाँ से कितना हो जाएगा आर अपॉन एल बाई टू, परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमको। ये आई होप यहाँ तक ये पूरी वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, फाई निकाल रहे हैं और नेट डी फाई, और लिमिट हम थीटा इज इक्वल टू जीरो से थीटा इज इक्वल टू अल्फा तक सेट कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम फाई अपर के लिए फाई वन कह दे रहे हैं, और जीरो से अल्फा, और ये पूरी वैल्यू जो डी फाई की हमने कैलकुलेट की ये पूरी वैल्यू पुट करो, 1/4πε0q/r² + l² / 4 ये वैल्यू है, और 2πr(dr cos θ) ये वैल्यू है, यही वैल्यू है। चलो ठीक है, ये वैल्यू मिल गई हमको। हम देखेंगे कि जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 2π है, q है, ये कॉमन है, और 4πε0 कॉमन है, और जीरो से लेके अल्फ़ा तक इसकी लिमिट हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा इसकी लिमिट हो जाएगी, और 1/r² + l² / 4 और r dr और cos थीटा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर चलो देखते हैं, थोड़ा सा काम बनाते हैं, एक और हमने इक्वेशन बनाई थी, इस इक्वेशन से काम बनने वाला है हमारा। अगर इस इक्वेशन से काम बनने वाला है तो फ्राम इक्वेशन ये फर्स्ट था तो इसको सेकंड बोल दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड हमारा था कि टैन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन एल बाई टू, यही था, तो इसको आर इज इक्वल टू निकालें तो एल बाई टू इंटू टैन थीटा लिखेंगे,
और फिर मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो डी आर इज इक्वल टू एल बाई टू और टैन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा हो जाता है बेटे, ये हो जाता है, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो अब हमारा जो आर था वो भी एक वेरिएबल ही था, इसमें आर ही वेरिएबल था और जीरो से लेके कैपिटल आर तक जा रहा था। ऐसे बहुत सारे रिंग बनते, जो एकदम एक्सिस पर रिंग बनता उसका आर जीरो रहता और जो यहाँ बन रहा है उसका कैपिटल आर तक बन रहा है। तो हम स्मॉल आर को भी अपने इक्वेशन में से गायब करने वाले हैं और लिमिट भी रखने वाले हैं, तो 2πq हो जाएगा और 4π एप्सिलॉन नॉट जीरो से अल्फ़ा लिमिट रख दिए। और अब देखो 1/r की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, ये भी रख देखना है, r की जगह पर हम रखने वाले हैं l बाई टू टैन थीटा, तो l स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा और टैन स्क्वायर थीटा और प्लस l स्क्वायर बाई फोर, ये l स्क्वायर बाई फोर ये वैल्यू रखा मैंने। फिर उसके बाद हमारा r था, r की जगह पर l बाई टू, l बाई टू टैन थीटा रखना है और dr, dr की जगह पर l बाई टू, एल बाई टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और पहले से ही कॉस थीटा था यहाँ पर, ये वैल्यू हमने यहाँ पर बना ली। आगे हम क्या सॉल्व करते हैं, 2πq/, अब आपको लग रहा होगा ये 2π से कैंसिल कर देना चाहिए, अगर अभी थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है कि हमारा कुछ काम बन ही जाए, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, एल बाई फोर कॉमन कर लो, एल बाई फोर, एल स्क्वायर बाई फोर कॉमन करोगे यहाँ तो यहाँ बनेगा 1 + tan² θ। याद करो कुछ होता है, ये याद कर रहे हैं, जब तक आप याद कर रहे हो तब तक मैं आगे का स्टेप लिख रहा हूँ। एल बाई टू, एल बाई टू ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा और इंटू ये टैन थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा डी थीटा, 1 + tan²θ सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और फिर सेक स्क्वायर थीटा से हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं 4πε₀, हम ऐसा कर सकते हैं कि ये पूरा हमारा कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया क्योंकि ये भी सेक स्क्वायर थीटा है। तो अब और एक चीज़ देखो, और कैंसिल हो रहा है उसको भी इसी वक्त कैंसिल ही कर दो, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो जो कैंसिल हुआ, कैंसिल करने के बाद बचे हुए जो पार्ट है वो हमारा टैन थीटा बच रहा है और कॉस थीटा बच रहा है और डी थीटा बच रहा है। इस टैन थीटा के साथ भी हमारा कुछ काम बन सकता है और हमारा मैथमेटिकली इजी हो सकता है ये, तो इजी करने के लिए हम जीरो से अल्फ़ा और टैन थीटा को लिख रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इनटू में कॉस थीटा और डी थीटा। अब हमारा फिर से एक कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, 2πq/4πε₀ 0 to α साइन थीटा और डी थीटा, ये वैल्यू बन गई हमारी, ठीक है। अब इस वैल्यू के बाद फर्दर सॉल्व करते हैं और फिर क्या हो जाएगा, 2πq/4πε₀ साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा और जीरो से अल्फ़ा हो जाएगा। अब हम 2π(q/4πε₀) पहले अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस जीरो रखेंगे। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, 2πq/4πε₀ और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 - cos α हो जाएगा, 1 - cos α हो जाएगा और जो कि φ₁ आ रहा है, ये इधर φ₁ चलता आ रहा है, आप ये मत सोचना कि ये वैल्यू हमने अब छोड़ दिए, φ₁ चलता आ रहा है, ये φ₁ चलता आ रहा है, मैं लिख ही देता हूँ ज़्यादा ठीक पड़ेगा, φ₁ है ये भाई, φ₁ है ये, φ₁ है, ठीक है। तो φ₁ ये चला आ रहा है और आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि अल्फ़ा की वैल्यू भी हमने सेट कर रखी थी जब लिमिट चेंज किया था, तो ये वैल्यू सेट कर रखी थी, नहीं ये वैल्यू तो नहीं सेट कर रखी थी, कुछ और भी सेट कर रखा था, चलो वो वैल्यू तो मिलने से रह गई, अब हम यहाँ पर नई वैल्यू ही कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू होगी क्या, देखो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 20/ हाइपोटेन्यूज, तो ये अल्फ़ा है तो बेस हमारा एल बाई टू हो गया, बेस हमारा एल बाई टू हो गया और हाइपोटेन्यूज का मतलब ये वाली वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई, रेड वाली ये वैल्यू हो गई,
पूरा का पूरा ये क्या है, कैपिटल आर है, यहाँ तक है क्या चीज़ ये बेटे, कैपिटल आर है ये वैल्यू पूरी की पूरी कितनी है, कैपिटल आर है, और ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, और ये वैल्यू एल बाई टू है। अब आप बता सकते हो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, बताइए कितना होगा, एक तो होगा एल बाई टू का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू होगा, यानी कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल बाई टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई फोर, ये वैल्यू होगी। तो यही वैल्यू हम उठा के लिख देते हैं, ये वैल्यू हमने निकालना शायद भूल गए थे, तो अब निकाल गया है, तभी तो मिल ही नहीं रही है, वो वैल्यू निकालना ही भूल गए थे। तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये वैल्यू हम लिख ही लेते हैं, तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एल अपान टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई फोर, ये वैल्यू निकालना भूल गए थे। चलो ये वैल्यू निकल भी गई, ये वैल्यू अब कॉस अल्फ़ा की जगह पर पुट करो तो फाई वन आ गया। फाई वन कितना आया देखो, अब थोड़ा सा अरेंजमेंट बे में लिखते हैं जो देखने में थोड़ा अच्छा लगे, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू टू पाई इंटू क्यू लिखेंगे, और वन माइनस कॉस अल्फ़ा की जगह पर एल बाई और टू अंडर रूट क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपान फोर। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द अपर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द गिवन सिलेंडर, गिवन सिलेंडर का ये अपर सरफेस से जाने वाला फ्लक्स है, तो लोअर इतना ही ठीक फ्लक्स इस अपर सरफेस से जा रहा है, तो ठीक इतना ही फ्लक्स यही सेम प्रोसेस करने के बाद लोअर सरफेस एरिया से भी आ जाएगा, लोअर से भी आ जाएगा यही सेम फ्लक्स। तो हम लोअर के लिए भी अगर लिखना चाहें कि फ्लक्स थ्रो द लोअर सरफेस, फ्लक्स थ्रो द लोअर सरफेस, लोअर सरफेस, तो लोअर सरफेस से अगर फ्लक्स निकालें, लोअर सरफेस या लोअर बेस सरफेस तो आप लिख सकते हो, तो उसको मैं फाई टू कह रहा हूँ बेटे, फाई टू इज इक्वल टू वन अपॉन सेम, यही सेम होगा टू पाई क्यू और वन माइनस एल अपॉन टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन फोर। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लोअर बेस ऑफ द सिलेंडर ड्यू टू द चार्ज क्यू व्हिच इज द प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। तो ये फ्लक्स आ गया। हमारा जो फर्स्ट एम था, जो हम फर्स्ट सॉल्व कर रहे थे, अब जाके कंप्लीट हो गया, ये हमारा जो फर्स्ट था ये कंप्लीट हो गया, ईच ऑफ द बेस ये कैलकुलेट हो गया। कह रहा है कर्व सरफेस से बताओ कितना जा रहा है, कर्व सरफेस से बताना है फ्लक्स, कर्व सरफेस से फ्लक्स बताना है हमको, तो कर्व सरफेस से फ्लक्स बताने के लिए करना क्या होगा कि हम नेट फ्लक्स का फार्मूला लगा देते हैं। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, तो सिलेंडर से हम देखते हैं कि नेट फ्लक्स क्या होता है सिलेंडर से, तो हम देखते हैं कि अगर हम नेट फ्लक्स निकालें तो फाई नेट इज इक्वल टू फाई अपर सरफेस प्लस फाई लोअर सरफेस और प्लस फाई कर्व सरफेस, फाई कर्व सरफेस इसको मैं लिख देता हूँ, फाई कर्व सरफेस, यही तो नेट फ्लक्स होगा भाई। देख लो आप, ऐसे देख लो, बार बार मुझको स्क्रॉल करना पड़ता है। देखो ये कर्व सरफेस से फ्लक्स ये, और फाई टॉप ये सरफेस, और फाई बॉटम ये सरफेस, तो नेट फ्लक्स आ जाएगा ना, टोटल सरफेस कवर हो गया हमारा। तो फाई नेट तो हमें गॉसियन सरफेस से पता ही है कि वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई अप हमारा और फाई डाउन दोनों सेम ही है, यानी कि फाई वन इज इक्वल टू फाई टू सेम ही है, क्योंकि जितना अप से जा रहा है सेंटर पर सिलेंडर के चार्ज रखा हुआ है तो उतना डाउन से ही जाएगा, तो इसको मैं बोल देता हूँ कि फाई, क्या बोल दे रहा हूँ इसको, फाई। तो ये फाई और ये फाई ऐड होकर ये फाई बन गया और फाई कर्व्ड हो गया, ये हमको फाई कर्व्ड मिल गया। तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू टू फाई और प्लस फाई कर्व्ड, और फाई कर्व्ड इज इक्वल टू कितना होगा, q माइनस एप्सिलॉन नॉट माइनस टू फाई, ये हो जाएगा। हमको एग्जैक्टली यही तो कैलकुलेट करना था, मेरा काम तो बन गया, काम तो मेरा बन गया, फाई कर्व्ड ही तो कैलकुलेट करना था, बस हो गया काम खत्म, कहानी अब सॉल्व कर ले गए आप। तो फाई कर्व्ड आपको कैलकुलेट करना है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आपको नेट फ्लक्स तो पता ही होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, और फिर यहाँ से टू फाई आपको मालूम ही हो गया।
चलो फिर वैल्यू रख देते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस टू, और फाई की वैल्यू ये इतनी बड़ी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई क्यू, और 1 - L/√R² + L² / 4 ये वैल्यू रख दिया मैंने। अब इसको करना क्या है कि सॉल्व करो। अब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट समथिंग वैल्यू, और उस वैल्यू को पहले देखो पाई से पाई कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल करो, देखो उसके हिसाब से अब कुछ ना कुछ मुझे लाना पड़ेगा, और यहाँ से देखो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है। तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर बचेगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा, और √1 - L/2 और √R² + L² / 4। अब देखो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, और जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, और यहाँ पर ब्रेकेट के बाहर माइनस है, ब्रेकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, और L है ये L, L/√R² + L² / 4। और अब फिर से देखो आपको एक यहाँ कटिंग लग रही है, लगा दो उसको। आगे देखते हैं हम लोग, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ब्रेकेट में कितना बचेगा, ये बचने वाला है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या हम इसको सही से ही लिख लेते हैं कि q ये ब्रेकेट में मल्टीप्लाई होगा q इंटू एल हो जाएगा, और अपॉन में ये 2 और ये एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, और √R² + L² / 4 हो जाएगा, यही वैल्यू मिल जाएगी हमको, ठीक है। तो ये वैल्यू अब चाहो तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, फाई कर्व्ड आ रहा है ये, तो फाई कर्व्ड को और कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो। 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर नहीं यहाँ पर कर देते हैं। तो देखो 2 और 2 ये मिलकर क्या हो जाएंगे, 4 पाई हो जाएंगे, और 4 पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट मिल गया आपको, और इनटू देख लो इनटू, और 2 पाई क्यू एल हो गया, 2 पाई क्यू एल, और अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, √R² + L² / 4 मिल गया आपको। तो ये हमारा इक्वेशन भी हो मिल गया हमको, प्रूव भी हो गया, फाई कर्व्ड प्रूव हो गया, ठीक है, फाई कर्व्ड प्रूव्ड हो गया, तो ये भी प्रूव्ड हो गया, तो सॉल्व हो गया हमारा न्यूमेरिकल ये।